हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। देखो, आज के लेक्चर में हम एक सेकंड पहले पेन ले लेते हैं। हाँ, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर काफ़ी सारे फैक्ट हैं, उनको हम यहाँ पे कवर है वो करेंगे प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो इसके क्या क्या और जैसे इसकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या स्पेशलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या क्या है विशेषताएं हैं, वो सब तो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर आज हम ये देखेंगे कि हमारा संविधान है कैसे बना था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, किस तरीके की प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का क्या काम था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो क्या था, किसके द्वारा पास किया गया था, क्योंकि ऐसे प्रिलिम्स में देखो कुछ फैक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ की एक बात थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में जब बात की गई थी संविधान बनाने की, तो जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, तो उसमें टोटल 389 सदस्यों की बात है वो की गई थी। बट आपको पता है पाकिस्तान फिर अलग हो गया था, तो इसके बाद में इंडिया में कितनी सीटें बची थी? इंडिया में बची थी केवल 292। और जब संविधान बन के डन हो गया था तो 292 में से 284 सदस्यों ने साइन कर दिए थे और बाद में इसको अडोप्ट है वो कर लिया गया था। अब देखो, उस टाइम पे क्या डिसाइड किया गया था कि हर 10 लाख सदस्यों के ऊपर एक मेंबर, यानी जो एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एक सदस्य है वो होगा। ये उस टाइम पे रेशियो है वो डिसाइड किया गया था। अब हम बात करें संविधान सभा के बारे में, तो एक सेकंड। हाँ, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, वो बेसिकली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, हुई थी कहाँ पे? दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को दिल्ली में आयोजित है वो हुई थी। और इसी बैठक के दौरान जो राजेंद्र प्रसाद थे, आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद, इनको स्थायी सदस्य है वो नियुक्त किया गया था। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में देखो बनाई गई थी एक प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का काम क्या था? देखो, प्रारूप समिति का एक सेकंड। हाँ, प्रारूप समिति था ना, इसका काम ये था कि इसको संविधान बनाना है, जगह जगह जाके अलग अलग कंट्री में विजिट करके वहाँ की स्पेशलिटी देखनी है, बहुत सारे काम करने हैं। जो संविधान बनाने का जो रियल काम है ना, वो एक्चुअली हमारे देश की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसी के द्वारा किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब को इतना बड़ा नेतृत्व है, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने अपने काम को बहुत ही बखूबी से निभाया था। सो आप सोच के देखिए कि उन्होंने उस जमाने में आज की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है वो निकाला था। आज भी जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो निकालते हैं। तो धन्य हैं ऐसे लोग जिनकी हेल्प से ही हमारे देश है वो उसको डेवलप किया गया। हमारे देश की जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से ताबुक केंद्र कील है वो डेवलप की गई थी। अब हम देखते हैं आगे। देखो, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, ये प्रारूप समिति है ना, ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947, यानी कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। और इसके द्वारा जो संविधान है उसकी बैठिंग है, जो मीटिंग वगैरह है वो शुरुआत हो गई थी। और उसके द्वारा जो काम स्टार्ट किया गया था वो किया गया था, आपको बता दूँ, 14 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने अपना जो मसौदा था ना सारा वो सौंप दिया कि हाँ भाई साहब, ऐसे ऐसे हम बनाने वाले हैं, ये हमारी प्रोसीजर है। तो देखो, कुछ फैक्ट आपको सिक्वेंस वाइज पता होना चाहिए कि संविधान बना कैसे था, कौन इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का काम क्या था, जो संविधान सभा था उसके अध्यक्ष कौन थे, किस तरीके से काम है वो क्या गया था। अब हम देखो आगे ये डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा की जो कार्यवाही हुई थी ना संविधान में, ऑब्वियसली को काफ़ी लंबी मीटिंगें चलती थी, फिर उन पर बहस होती थी, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है वो चल रही थी। तो जो कार्यवाही थी ना, इसको बेसिकली 3 चरणों में हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट चरण, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से। अब क्या है इनमें, हम देख लेते हैं। देखो, पहले चरण इंपॉर्टेंट है, तीनों चरण वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले चरण में क्या हुआ था? पहले चरण में उद्देश्य प्रस्ताव पारित है वो किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था सबसे पहले। और वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से हम संविधान है वो लेके आ रहे हैं, ये इस बेसिस पे ही आगे। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को, मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग में संबोधित है वो किया गया था। और आगे जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, वो उद्देश्य प्रस्ताव को ही बनाया गया था। मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव डन किया गया था उसी को बाद में प्रस्तावना का रूप है वो दे दिया गया था। तो यानी कि आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था कि भाई संविधान का मोटो क्या है, क्यों हम संविधान है वो बना रहे हैं।
इसके बाद में आया था सेकंड स्टेज यानी सेकंड चरण। सेकंड चरण में क्या हुआ था, कई समितियां बनाई गई थी काफी सारी। अब देखो वैसे तो बहुत सारी समितियां हैं, बट हमें मेनली तीन चार समितियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, एक थी स्टेयरिंग कमेटी, सॉरी स्टेयरिंग कमेटी या स्टेयरिंग समिति। इसके जो अध्यक्ष थे ना स्टेयरिंग कमेटी के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में थी एक रूल रेगुलेशन को लेके, यानी रूल रेगुलेशन है इनको लेके कमेटी होती, जिसे हम बोल सकते हैं कि रूल समिति कमेटी या फिर नियम कमेटी। उसके अध्यक्ष थे वो भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में थी एक स्टेट को लेके कमेटी, यानी जो राज्य हैं इनको लेके भी एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। तो ये आप ध्यान में रखना है कि पंडित नेहरू है वो राज्य कमेटी के अध्यक्ष हैं वो थे। इसके बाद में देखो दो कमेटियां और हैं, एक तो है अल्पसंख्यक को लेके, अल्पसंख्यक ऊपर बनाई गई कमेटी, और एक है जो भौतिक अधिकार हैं, जो फिजिकल राइट हैं, फंडामेंटल राइट नहीं, भौतिक अधिकारों की बात की गई है। अल्पसंख्यक और जो भौतिक अधिकारों की मिला के भी एक कमेटी थी, जिसके हेड की अगर हम बात करें तो वो थे यहाँ पे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्पसंख्यक और जो भौतिक कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में अगर हम बात करें इंडिविजुअल अल्पसंख्यक कमेटी के जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो तो थे यहाँ पे डॉक्टर एच सी मुखर्जी, और जो भौतिक कमेटी है इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो वो थे पंडित नेहरू। बट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अल्पसंख्यक और भौतिक कमेटी के जो मेन हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टेयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, रूल रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम बात करें इसके बाद में और कौन सी कमेटी थी, इसके बाद में हमने देखी कि जो स्टेट को लेकर कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो देखिए हमने मोटी मोटी कमेटी। वैसे संविधान को लेकर एक कमेटी और थी, जैसे जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखो प्रांत को तो आप ऐसे याद रखते हो कि उस टाइम पे जो भी प्रोविंस थे उनको एक तरह किसने किया था, ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो वहां से आप इस चीज को माइंड में कर सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले कई बार पूछा भी है, वो थी झंडा कमेटी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है अलग से। झंडा कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेबी जो कृपलानी थे ना वो झंडा कमेटी के अध्यक्ष थे। तो मैंने लिए पांच छह कमेटियां, इनको दो तीन बार आप रिवाइज कर लेना। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की, कि तीसरे फेज में बेसिकली क्या हुआ। देखो तीसरे चरण में बनाई गई थी प्रारूप समिति। पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में पहले चरण में उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि किस ऑब्जेक्टिव के तहत हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या, आखिर हम संविधान बना क्यों रहे हैं, वो तो हुआ पहले प्रस्ताव में। दूसरे रिजोल्यूशन में क्या हुआ, मतलब सेकंड चरण में क्या हुआ कि जो कमेटियां हैं समितियां वो बनाई गई थी। वो तीसरे चरण में हुआ कि हाँ ठीक है भाई, अब संविधान बना रहे हैं तो संविधान बनाने के लिए दो कमेटी कुछ होनी चाहिए ना, तो वो बनाएगी प्रारूप समिति। यानी तीसरे फेज में प्रारूप समिति है, इसका गठन किया गया था अलग से ही, और सारा काम प्रारूप समिति के द्वारा ही किया गया था। संविधान में जो भी स्टेप लिए गए थे, अलग अलग कंट्रीज से जो चीज़ें लाई गई, अडोप्ट की गई थी, वो सारा काम प्रारूप समिति के द्वारा ही किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको ध्यान में रखते हैं, ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो वैसे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेरी कमेटी भी बनी थी प्रारूप समिति के अस्थायी सदस्य, जो अस्थायी सदस्य थे वो तो थे यहाँ पे सचिनानंद। ये भी यूपीएससी ने कई बार पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सचिनानंद साहब थे वो प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में जो परमानेंट सदस्य अध्यक्ष बनाए गए थे प्रारूप समिति के वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद में जो और भी सदस्य थे इसमें, ऑब्वियसली अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए। सदस्यों की अगर हम बात करें तो जैसे थे कृष्णा स्वामी अय्यर थे, इसके साथ गोपाला स्वामी वायंगर थे, इसके साथ के एम मुंशी थे, टी टी कृष्णाचारी थी। तो देखो ऐसे ये सारे हमें रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के जो अस्थायी सदस्य थे पहले वो थे सचिनानंद साहब, और बाद में स्थायी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और संविधान कौन के द्वारा बनाया गया था, प्रारूप समिति के द्वारा ही। ये देखो हमने कुछ फैक्ट यहाँ पे कवर है वो कर लिए हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो क्या है, सर बी एन राव थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, मतलब एडवाइजर थे। संविधान के लिए जो भी एडवाइस वगैरह देने का काम था वो किया गया था डॉक्टर बी एन राव के द्वारा, और इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अमूल्य हो गया था। इसके बाद में प्रारूप समिति ने जगह जगह जाके काफी टाइम लेके संविधान बनाया, और अंत में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया। और प्रारूप समिति ने क्या किया, जो संविधान सभा थी इसके सामने रख दिया कि ये लो भाई साहब, हमने संविधान हमारी तरफ से कंप्लीट है वो कर दिया है। और इसके बाद में हुआ ये कि मतलब 26 जनवरी 1950 को इसको एडोप्ट है वो बैंडी कर लिया गया था। लेकिन देखो दो तीन फैक्ट है यहाँ पे। पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है,
आर्टिकल, उस टाइम पे कितने आर्टिकल थे? देखो उस टाइम पे टोटल 395 आर्टिकल थे संविधान बना था तब, और 8 अनुसूचियां थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि आज शेड्यूल थे और टोटल 395 आर्टिकल थे। आज कितने हैं? आज आपको बताया अनुसूचियां भी बढ़ गई हैं और आर्टिकल भी बढ़ गए हैं। अब देखो ये ध्यान रखना कि वैसे संविधान बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के डन हो गया था। और इसी दिन से दो तीन चीज़ें अप्लाई हो गई थी, कौन कौन सी? एक तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, कि नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार थे ना वो 26 नवंबर 1949 के दिन से ही प्रभावी हो गए थे। और इसी के साथ हम बात करें इलेक्शन, तो इलेक्शन के जो भी प्रस्ताव, इलेक्शन संबंधी जो भी रूल थे वो मतलब संविधान बनते जिस दिन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उस दिन हो गए। इसके बाद में वैसे मैंने ऑफिशियली संविधान का जो अनाउंस है वो किया था 26 जनवरी 1950 को। तो यूपीएससी की बार पूछ लेती है कि जो सिटीजनशिप संबंधी, इलेक्शन संबंधी जो भी प्रावधान या प्रोविजन थे वो कब अडॉप्ट किए गए थे, तो ये तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था जब संविधान बन के डन हो गया था। अब थोड़े और फैक्ट देखते हैं। देखो आगे बात आती है संविधान के बारे में। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भाई संविधान है क्या आखिर? हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं संविधान संविधान, क्या है संविधान? देखो संविधान है ना वो एक विधि का एक ऐसा तंत्र है, ध्यान से सुनना, संविधान एक विधि का ऐसा तंत्र है या फिर एक विधि की ऐसी व्यवस्था है जो सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, उनके दायित्वों आदि का उल्लेख करता है। मतलब सरकार के क्या दायित्व हैं, सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इन सब के बारे में हमें संविधान बताता है और किस तरीके से हमें काम करना है। सारा काम किसके द्वारा बताया जाता है? संविधान के द्वारा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, संविधान है वो एक विधि का ऐसा तंत्र है या हम बोल सकते हैं विधि की ऐसी व्यवस्था है जो सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, उनके दायित्वों आदि का उल्लेख करता है और इसी के साथ ही नागरिकों के जो भी राइट्स हैं वो बताता है और उनके जो कर्तव्य हैं उनका भी उल्लेख करता है। ध्यान रखना कि वो राइट्स की बात नहीं करता है संविधान, संविधान में फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपको बताया जो भी कर्तव्य हैं हमारे उनका भी उल्लेख किया गया है और इन सब को मिला के हम कहते हैं संविधान। आपको आ गया होगा आई होप समझ में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, संविधान है वो एक विधि का ऐसा तंत्र या फिर एक विधि की ऐसी व्यवस्था है जो सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, उनके दायित्वों आदि का उल्लेख करता है तथा साथ ही जो नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं उनका वर्णन करता है और उनके कर्तव्यों का भी वर्णन साथ में जरूर करता है। इन सबको मिला के हम कहते हैं संविधान। एक वर्ड और आता है बाद में, संविधानवाद। देखो संविधानवाद का मतलब यह है कि संविधान में जो भी सरकारी अंगों की मतलब सरकार की जो भी शक्ति, सरकारी अंग कैसे हो गए, जैसे देखो सरकार के बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपको पता है सरकारी यानी कि वो एक आदमी सरकार नहीं चलाता, जो भी सिस्टम है इवन हम जो IAS बनेंगे सब अधिकारी है वो भी एक सरकार का एक हिस्सा है। यानी कि संविधान में जो सरकारी अंगों की जो भी शक्तियां हैं ना इनको साथ साथ इनको रेगुलेट करने की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि खुद को ही रेगुलेट करते हैं। संविधान है वो अपने आप रेगुलेट भी करता है कि भाई साहब आपकी लिमिट यहीं तक है, आप अपनी औकात से बाहर मत जाइए, आप यही काम कर सकते हो, और उनको साथ साथ में पावर भी दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कोई भी IAS है उसको संविधान पावर भी दे रहा है कि आपका ये कर्तव्य है कि आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम करो, बट इसी के साथ संविधान उन पर लिमिट भी लगाता है कि आप एक लिमिट के बाद ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि किसी का नुकसान हो। यानी कि संविधान कहने की लिमिट भी तो लगा रहा है ना, ऐसा नहीं कि वो आदमी जाके पाकिस्तान में काम करने लग जाए, लिमिट लगी हुई है। तो ये सारा सिस्टम होगा संविधानवाद। दोबारा बता देता हूँ, संविधान में सरकारी अंगों की जो शक्ति है ना इनके साथ साथ इनको सीमित करने की भी व्यवस्था की गई है और इसे ही संविधानवाद है वो कहते हैं। तो ये हमने संविधान और संविधानवाद के बारे में आगे डिस्कस किया। अब देखो हम आगे डिस्कस करेंगे संविधान के प्रस्तावना, इसके बाद में इस प्रस्तावना में कौन कौन से पॉइंट हैं उनको और जो उसके फीचर्स हैं उनको हम नेक्स्ट जो हमारा आएगा मतलब एक तरीके से एक लेक्चर उसमें कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, कल से हम जो क्लास का टाइम है वो भी थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन से क्लास स्टार्ट ही हुई थी। तो आगे हम जल्दी जल्दी जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं उनको सारे को कवर करेंगे और फिर हम जो लक्ष्मीकांत के टॉपिक हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।